बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनकी पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है। और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे।